लड़का को कोई मतलब नहीं, लड़का अगर खूब अच्छा खाना बनाया है ना उसका तारीफ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को चाहिए बोलना चाहिए ठीक बना है। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको। लड़की लोगों को भी स्पष्ट है, अपने भैया पिताजी जिनकी शादी हो गई है हस्बैंड, उनको स्पष्ट कहिएगा कि हम वोट अपनी मर्जी से डालेंगे, अगर दबाव बनाएंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे, नहीं तो नोटा पे दबा के चले आएंगे। स्पष्ट बोलिए, यहाँ पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कहिए आप हमें ऑप्शन दीजिए कौन सा सही है, यहाँ पर आप अपना अधिकार समझिए। आज भी राजनेताओं के दिमाग में बैठा है कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ये तो वोट डालते हैं या तो अपने भाई, शादी नहीं हुई है तो भैया और पिताजी से हिसाब से, और नहीं तो हस्बैंड के हिसाब से, तो पुरुषों की ही बात सुनी जाती है। समझ में, आप लोग की एक यूनिवर्सिटी है इतने बड़े देश में, कायदे की एक बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जिसमें केवल महिलाएं पढ़े, अरे बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, जो महिला यूनिवर्सिटी रहती तो उनके लिए अलग कोर्स डिजाइन किया गया रहता। जिस तरह हमारा शारीरिक बनावट अलग है, मानसिक बनावट भी अलग रहता है, इसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर, लड़का को कोई मतलब नहीं, लड़का अगर खूब अच्छा खाना बनाया है ना उसका तारीफ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को चाहिए बोलना चाहिए ठीक बना है। ये मेंटेलिटी होता है क्या, नहीं समझे हम, ये बनावट है, इसको आप नकार नहीं सकते बाबू, ये जीवन में आपको झेलना पड़ेगा। लड़का जब बहुत टेंशन में रहेगा तो अकेले रहना चाहेगा, और लड़की जब टेंशन में रहेगी तो चार आदमी सोचेगा उससे बतियाने वाला रहे, कहीं अकेले दम घुट जाएगा मेरा। बनावट अलग है यहाँ पे, अब लड़की टेंशन में है तो अकेले मत छोड़ दियो, कहेगी हाँ दिक्कत टेंशन में हो जाएगा, और लड़का अगर टेंशन में है तो ही ना कि चाय पियेंगे, चाय चाय चार को सुना देगा, चाहिए फेंक देगा, चाय चाय चिल्लाने चला यहाँ पे। तो ये एक बढ़िया यूनिवर्सिटी रहा जिसमें पूरा कैरिकुलम बनाया गया रहता पढ़ने। अच्छा लड़की लोग में मांग भी तो नहीं करती है, सब कुछ चीज की कोई चीज का मांग नहीं, बस यहाँ हमें बराबरी चाहिए, अरे यार बराबरी चाहिए, आप बराबरी चाहिए, दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको, नहीं समझ में। जिनसे आप अपना अधिकार मांग रही थी ना उनसे छीन लीजिए, और उनको इज्जत से दिखाइए, ये देखिए नहीं मिलने की संभावना थी इसलिए हम छीन लिए, हमें आप संस्कार विहीन मत समझिएगा, इसलिए कभी भी ना उत्तेजक भाषा किसी से नहीं बोलने के लिए, आप क्या कर लेंगे, ये सब भाषा बहुत खराब होती है। कई कई महिला लोग को देखते हम पढ़े लिखे हैं, लड़का कबो ना बोले हम पढ़े लिखे, दुनिया के सारे सारे आसान कामों में से एक आसान काम है पढ़ाई, आराम से बैठे ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ लाइट लगा हुआ है, यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तनी पढ़े लिखे तनी एक कट्ठा खेत जोत के दिखाइए ना, अगले दिन इसलिए कभी शिक्षा पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जितनी शिक्षा है उसका 1% भी किसी के पास नहीं है, 1% नहीं है, जिस चीज का 1% भी नहीं है आपके पास उसका अहंकार करते हैं, कभी नहीं। हालांकि शिक्षा जिसके पास आ जाएगी ना वो अहंकार करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दिखने लगेगा कि इतने शिक्षा में हमने थोड़ा ही सा लिया है, हमें अहंकार का तो अधिकार ही नहीं। लेकिन सोच रहे जिनको पता ही नहीं है, ओकरा बस इतना पता है ग्रेजुएशन कर लो पढ़ाई हो गया बस यहाँ, अरे कौन सी सीखता है तुम लोग ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन किया ही कहाँ है तुम लोग, सर्टिफिकेट भर दिया, एग्जाम फोन आ जाएगा बाबू एग्जाम फीस भर दीजिए एग्जाम आ रहा है, ये समझ में आ गया।